हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में हैं, 8th क्लास का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग चलते हैं इससे आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं क्या है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 11, बायचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंड फादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बायचुंग्स। द सम ऑफ द एजेज ऑफ द ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द इज वन ऑफ देम। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन है क्या। तो देखो, बायचुंग्स एक लड़का है जो कि उसका फादर है, 26 ईयर यंगर है। किससे? बायचुंग के ग्रैंड फादर से। ठीक है ना, ग्रैंड फादर से कितना यंगर है उनके, बायचुंग्स का फादर्स 26 ईयर्स। एंड और कह रहा है कि जो बायचुंग्स है, बायचुंग से जो बायचुंग का फादर है, बायचुंग से कितना ओल्डर है, 29 ईयर्स ओल्डर है। ठीक है ना, द सम ऑफ द दोनों तीनों का जो एज का सम दे रखा है, कितना दे रखा है, 135 ईयर्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो व्हाट इज द एज ऑफ द इच ऑफ द, तो आप लोग को बताना है तीनों का एज। ठीक है ना, क्या क्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, लेकिन बहुत इजीली हम लोग बनाएंगे इसको। देखो क्या करते हैं, देखो 26 ईयर ओल्डर देन यंगर देन है बायचुंग्स ग्रैंड। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि लेट बायचुंग्स एज इजकल टू एक्स ईयर्स। क्या मान लेंगे, बायचुंग्स क्या है, बायचुंग्स का एज क्या होगा, एक्स ईयर्स मान लेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो अब बायचुंग्स का जब एज एक्स ईयर्स है, तो उसके फादर का है ना, बायचुंग्स फादर्स एज, तो लिख देते हैं बायचुंग्स फादर एज क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, कितना ओल्डर देन है, इससे कितना बड़ा है, 29 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 29। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब चलिए अब क्या हो जाएगा, बायचुंग्स ग्रैंड फादर एज है ना, ग्रैंड फादर एज। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब बायचुंग्स फादर जो है 26 ईयर ओल्डर देन है, किससे, यंगर देन है अपने फादर से, ग्रैंड फादर से। ठीक है ना, अब इनमें क्या होगा कि इस इनके तो रहेगा ही है ना, बायचुंग्स फादर का रहेगा ही एक्स प्लस 29। अच्छा, कितना ईयर यंगर थे, 26, तो क्या हो जाएगा, प्लस 26। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ओके मेरे प्यारे, तो सबका यहाँ पे एज मैंने लिख दिया है। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ पे अगर इनका जोड़ा जाए तो टोटल कितना हो जाएंगे, एक्स प्लस 96 कितना हो जाएगा, 51, और 224, 15, नहीं यही होगा ना, एक्स प्लस 15 होगा, यही होगा कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, दोनों को जोड़ दिया मैंने। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब तीनों का एज का सम कितना है, 135 ईयर्स। तो चलिए सब तीनों का, अब पहले बाईचुंग का क्या है, एक्स ईयर्स है, प्लस उसके फादर का कितना है, एक्स प्लस 29, प्लस उसके ग्रैंड फादर का कितना है भैया, एक्स प्लस 55 इजिकल टू 135। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब इसको जो वेरिएबल को एक साथ रखो और कांस्टेंट को एक साथ, तो देखो वेरिएबल क्या क्या है, एक्स प्लस एक्स क्या है, 3x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और इन दोनों को जोड़ दो पहले यहीं पे, है ना, 595, 14 का 4 आपके पास 1, और 2571, 2571 8 है इजकल टू 135। अब इसको इधर लाया, क्या करेंगे हम लोग, माइनस। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो 3x इजिकल टू 35, इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस 84। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों,
फाइव में से फोर गए तो वन, अब ये देखो 13 में से 8 गए तो फाइव, इसलिए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 51/3। ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 17 बार में कैंसिल हो जाएगा। सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा था, दिख रहा है अब। चलिए तो ये हो गया 17, यानी बैचुंग्स का एज कितना निकल गया, 17 ईयर्स। तो बस अब निकाल देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस बैचुंग्स एज इजकल टू क्या माने थे, एक्स माने थे, एक्स कितना निकल गया 17 ईयर्स, कितना हो गया 17 ईयर्स हो जाएगा। अब बैचुंग्स फादर्स एज, बैचुंग्स फादर एज कितना है, एक्स प्लस 29, एक्स प्लस क्या है 29, तो एक्स कितना है 17 प्लस 29 जोड़ दो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 9 7 16 का 6 1 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है 46 ईयर्स इसके फादर के हो जाएंगे। अब चलिए अब एक आदमी और है ग्रैंड फादर्स, तो बाइचुंग्स ग्रैंड फादर एज क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या है ग्रैंड फादर का एक्स प्लस क्या है 55, एक्स कितना है 17 प्लस 55, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 ईयर्स। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 3 आंसर्स आ गए। देखिए बैचुंग्स का भी एज आ गया, बैचुंग्स फादर्स एज आ गया और बैचुंग्स का ग्रैंड फादर्स का भी एज आ गया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया आया। चलिए ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। करा 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी 15 साल बाद रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि 15 साल बाद रवि का जो एज होगा वो प्रेजेंट एज का क्या होगा, 4 टाइम्स होगा, ठीक है 4 गुना होगा। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट रवीज प्रेजेंट एज एज इजकल टू एक्स ईयर्स, क्या मान लेंगे प्रेजेंट एज क्या है एक्स ईयर्स। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए 15 इयर्स फ्रॉम नाउ यानी 15 साल बाद, 15 साल बाद, तो ये प्रेजेंट एज है, तो 15 साल बाद क्या हो जाएगा एक्स प्लस 15। 15 साल बाद 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, अब क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट एज क्या है एक्स, 4x हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो अब कांस्टेंट को एक साथ रखेंगे और वेरिएबल को एक साथ, तो ये देखो इसको इस एक्स को कहाँ लेके आएंगे, इधर लेके आ जाएंगे, किधर इधर, तो क्या हो जाएगा इधर अब 15 इजकल टू 4x, इधर क्या है प्लस में इधर आए क्या हो जाएगा माइनस एक्स। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इस वाला टर्म को पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 4x में से 1x गया तो कितना हो जाएगा 3x इजिकल टू, ये क्या है यहाँ पे क्या है 15 ही है, तो इसलिए x इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों 15/3, 3 5 जा 15, यानी कितना हो जाएगा 5 ईयर्स, यही तो पूछ रहा था परसेंटेज, तो हो गया 5 ईयर्स। ओके फ्रेंड, ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ओके बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, अ रेशनल नंबर इज सच डैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, व्हाट इज द नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है, उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 5/2 से, एंड ऐड कर रहे हैं 2/3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा, ऐड कर रहे हैं उसमें 2/3 टू द प्रोडक्ट, इन दोनों का जो रेशनल नंबर और इनका जो प्रोडक्ट होगा उसमें हम ऐड कर रहे हैं 2/3 को।
और कितना हमको फाइंड हो रहा है, -7/12 आंसर आया। तो व्हाट इज द नंबर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे लेट, मान लेंगे लेट द रेशनल नंबर, लेट द रेशनल नंबर इजकल टू एक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं अब। तो देखो एक्स में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, एक्स इंटू 5/2। अब इसके प्रोडक्ट में, इसके प्रोडक्ट में क्या ऐड हो रहा है, 2/3, तो क्या हमको मिल रहा है, -7/12। सबको आ रहा है बच्चों समझ में, आ रहा है ना। तो देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 5x/2 हो जाएगा। अच्छा ये कांस्टेंट है, इसको इधर लेके आ जाए, कोई दिक्कत आप लोगों को, चलिए तो इसको इधर कर लेते हैं। तो इक्वल टू, पहले से -7/12 है इधर, इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2/3। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5x/2 इजिकल टू, यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे 12 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 12 भी होगा, 12 1 जा 12, तो -7 हो जाएगा, -3 6 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो अब देखो अब क्या हो गया, 5x/2 इजिकल टू -7 और -8 है, दोनों का साइन क्या है, माइनस है, तो दोनों का करते हैं प्लस कर देते हैं, तो -7 और -8 कितना हो जाएगा, -15/8, दोनों को प्लस कर देते हैं लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 12 है, 12 लिखो, सॉरी 12। ओके अब देखो ये नीचे नीचे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है, इधर 2 है और यहाँ पे 12 है, ठीक है ना। तो 2 के टेबल में 12 आता है, कितने नंबर पर, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। सिर्फ इस यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई नंबर प्लस होता या इधर भी प्लस होता तो हम लोग नहीं कैंसिल करते, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भी सिंगल टर्म में आ गया, ये भी सिंगल टर्म में आ गया, तो हम लोग नीचे नीचे काट सकते हैं और ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे नहीं काटा, यहाँ पे भी काट सकते थे, यहाँ पे क्या बच गया, 5x = -15/6। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए x इजकल टू क्या हो जाएगा, इसलिए x इजकल टू क्या होगा, ये 5 कहाँ पे आ जाएगा, इसके डिवाइड में, तो -15/6 और ये आ गया 5, 5 3 जा 15 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, यानी कितना बचेगा, -1/2। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो यही तो पूछ रहा था ना कि व्हाट इज द नंबर, तो यही नंबर आप पूछ रहा था, तो -1/2 क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस करो तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं हमारे देश में कोरोना वायरस के चलते, तो इंस्टीट्यूट अभी बंद है, जैसे इंस्टीट्यूट ओपन होगा फिर मैं क्लास में भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो, बहुत से बहुत प्रैक्टिस करो, अभी ऑनलाइन ही ऐसे ही पढ़िए, वीडियो से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।